देखिए, राजकीय समारोह था और शहीद दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष से ही सरकार का स्वीकृति मिला है और पिछले वर्ष भी बड़ी धूमधाम से यहाँ के सभी लोग, युवा नौजवान, सभी आयु वर्ग के लोगों ने उत्साह से शहीद दिवस मनाया। आज भी बड़े ही उत्साह के साथ सभी लोग झंडा लेकर यहाँ पर, युवा नौजवान, सभी महिला पुरुष, सभी लोग आए। नमस्कार, मैं हूँ अंकित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। आज पूर्णिया के धमधा में राजकीय समारोह के साथ शहीद दिवस का भी भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के अलावे पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया पुलिस अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया DIG, पूर्णिया जिला अधिकारी के साथ साथ हजारों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह सबसे पहले झंडा फहराई तो दूसरी तरफ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश भी दिया गया। वहीं अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हुए 15 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आज बुके मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आइए, इसको लेकर क्या कुछ कह रही हैं बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, आपको हम सुनवाते हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, राजकीय समारोह था और शहीद दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष से ही सरकार का स्वीकृति मिला है और पिछले वर्ष भी बड़ी धूमधाम से यहाँ के सभी लोग, युवा नौजवान, सभी आयु वर्ग के लोगों ने उत्साह से शहीद दिवस मनाया। आज भी बड़े ही उत्साह के साथ सभी लोग झंडा लेकर यहाँ पर, युवा नौजवान, सभी महिला पुरुष, सभी लोग आए। इससे ये परिलक्षित होता है कि सभी लोग जो हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी, अपनी बलि देकर, जान की बलि देकर, कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया और झंडा तोलन के लिए गए थे और उसी समय शहादत हुई, गोली से भून दिया। आज हमारे सभी युवा नौजवान झंडा को बुलंद करने के लिए और संकल्प लेते हैं, हम लोग भी संकल्प लेते हैं, जो उनका सपना था कि हमारा राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र आगे बढ़े, हम आज उनके बदौलत, उन शहीदों के बदौलत आज स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके प्रति नमन करते हैं और वो हमारे आदर्श थे और उनके संकल्पों पर हम लोग चलेंगे और संकल्प लेते हैं कि हमारा देश सबसे आगे है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण है और हम देश को आगे बढ़ाएं, गांव को आगे बढ़ाएं, भाईचारा स्थापित करें, यही आज के दिन संकल्प लेते हैं। कहीं ना कहीं माइंडसेट की प्रॉब्लम, मानसिक रूप से जो एक हमारी कमी है, जो हम छोटा अपने को सोचते हैं, इंफीरियर सोचते हैं, वो अपने दिमाग से निकालने का, जो मानसिक अगर गुलामी कहीं है उसको निकालने की आवश्यकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी भारतीय में वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि हम पूरे विश्व में सबसे आगे जाके और सबसे आगे जा सकते हैं और अपना झंडा लहरा सकते हैं। हमारा झंडा इस पूरे देश के जितने नागरिक हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। आप देखें कितना अच्छा तिरंगा जो लहराया जा रहा है, इस तिरंगे को विश्व के सबसे बेहतरीन जगहों पे लगाना, सबसे आगे हमारे बच्चे जाएं, हम सब लोग भारतीय हर फील्ड में अच्छा करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, अंतरिक्ष विज्ञान का फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, और ये आप सबको दिख रहा है कि हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जो कमियां हैं हमारी मानसिक रूप से कि हम नहीं कर सकते, इस नहीं कर सकते के एटीट्यूड को हटाना है और हमको बिल्कुल अकूत तरीके से, आप सोचें 400 वर्ष की गुलामी के बाद ये हिम्मत करना कि हम कर सकते हैं, ये संकल्प उन्होंने लिया, कर सकते हैं। और कर सकते हैं कि अगर आप सोचिए 400 वर्ष अगर आप रह जाए और उसके बाद आप सोचिए कि अरे पता नहीं होगा नहीं होगा, आप तो यही जिंदगी है। उन्होंने इस चीज, इन बेड़ियों को बिल्कुल तोड़ा और अगर तोड़ा तब हम आजाद भारत में रह रहे हैं। हाँ, उनकी शहादत हुई लेकिन आजाद भारत में रह रहे। अब हमें मानसिक रूप से जो हमारी इंपीरियोरिटी, हमारी कमियां हैं, उनको तोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं अपनी बात की समाप्ति ये जो मैं बता रहा हूँ। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि धमधा की धरती शहीदों की धरती है और इसको हम लोग आज के ही दिन यानी 25 अगस्त को याद करते हैं। वहीं जहां दूसरी तरफ बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक विनोद राठौर का आज कार्यक्रम होना है,
इसको लेकर सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। पूर्णिया से न्यूज़ फोर नेशन के लिए अंकित कुमार झा की एक रिपोर्ट।